जे एसएसयू के द्वारा बुलाए गए कर आज बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में भी बंद का खासा असर देखने को मिला है। यहाँ पर छात्र संगठनों के द्वारा यहाँ पर बंदी बुलाई गई है और अभी हम नगर पंचायत के समीप पहुँच चुके हैं और यहाँ पर छात्र संगठन एकजुट हुए हैं और बंदी करने के लिए निकले हैं। हम कुछ छात्र हैं जो उनसे बात करते हैं, सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? जी दादा, मेरा नाम मुकेश महतो। अच्छा, बंदी क्यों बुलाया गया आप लोगों के द्वारा? जी हम लोग बहुत दिन से झारखंड का जो नियोजन नीति नहीं बन पाया सही ढंग से, झारखंड के हित के लिए वो सही ढंग से नियोजन नीति बने इसके लिए हम लोग विरोध करें, लेकिन सरकार का अपना मनमाने ढंग से जो नियोजन नीति लाते हैं 60-40, तो पूरा झारखंड के युवा भी जान चुके 60-40 नियोजन नीति किया है। सीधे सीधे 40% बाहरी को, 60% हम लोग, उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है 40% बाहरी नौकरी दिया जा रहा है, कैसे पता चल रहा है कि 40% बाहरी? इससे पता चल रहा है कि जो भी गजट निकल रहा है, देख रहे हैं वर्तमान में जेएसएससी द्वारा, इसमें साफ तौर से दूसरा राज्य के से कंपेयर करेंगे तो दूसरा राज्य में राज्य का स्थानीय होना अनिवार्य लिखा हुआ रहता है गजट पर, लेकिन झारखंड सरकार का जो जेएसएससी एक विभाग है उसमें साफ तौर पर पूरा भारत सरकार के लिए खुला ओपन खोल देता है। इसमें तो साफ तौर से पता चल रहा है कि ये ओपन फॉर ऑल कर दे रहा है। इसमें 60 भी है ये कन्फर्म नहीं लग रहा है झारखंडियों के लिए। तो अब आप लोग क्या निर्णय लिए हैं, क्योंकि आज भी बंद है, कल भी आप लोग बंदी बुलाए? हम लोग पूरा बुंडूवासी से रिक्वेस्ट करके बंदी को समर्थन के लिए, आप देख पा रहे हैं अब भी पूरा बंद है। क्या लगता है बंदी से कितना असर पड़ेगा आप लोगों का? बंदी से असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, आर्थिक बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आर्थिक, जैसे आर्थिक कुछ भी होता है तो सरकार को भी आर्थिक मदद इसी से मिलती है, रोजी रोजगार जैसे चलता है तो इससे आर्थिक मदद मिलती है सरकार को, तो इससे असर पड़ना चाहिए सरकार को। और अगर इससे भी सरकार को असर नहीं पड़ती है तो हमारे जो एसएससीयू के जो अध्यक्ष हैं वे आगे के निर्णय जैसे करेंगे, हम लोग भी बृहद आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। देखिए निश्चित तौर पर जो जेएसएससीयू का जो ये मांग है कि 60-40 की जो नीति है वो वापस की जाए, और इसको लेकर ये जगह जगह पर आज पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, एक तरह से बंदी कर रहे हैं। इसको लेकर आज हम भी पहुँचे थे और तमाम मामलों का जायजा हम लेने के लिए यहाँ उपस्थित थे। इसी तरह के तमाम खबरों के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बने रहिए समाचार प्लस के साथ। हमारे सहयोगी अनिमेश के साथ मैं अमित दत्ता, समाचार प्लस बुंडू।